हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है अक्षरा सिंह। अक्षरा, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? आई एम वर्किंग, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी और खूबसूरत एज यूजुअल। अक्षरा, इतना अच्छा समय चल रहा है, नवरात्रि का वक्त चल रहा है, लेकिन हम पहले जैसे उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं, पर कुछ ना कुछ यादें जरूर जुड़ी होती है। आप हमें बताइए किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रही हैं इस बार नवरात्रि। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, उन सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, जय माता दी। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा लाइक बचपन से लेकर अब तक मैं माँ को बहुत मानती हूँ और माँ का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। और हमारे घर में शुरू से ही कलश स्थापना करते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। सो यस तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये नवरात्र का ये जो शुभ अवसर है। और चूंकि मैं जब से गाना गाना शुरू किया मैंने, तब से मैं माँ की भी भजन बहुत ज्यादा गाती हूँ और लोग बहुत पसंद करते हैं। यूपी बिहार में तो लोग मतलब बहुत प्यार देते हैं मुझे। अक्षरा, हमें बताइए, क्योंकि बिग बॉस 15 का घर बहुत से आपके बिना अधूरा सा लग रहा है। हम बहुत ज्यादा उम्मीद भी कर रहे थे कि आपको देखने को मिल पाएंगे आप हमें। जी। आप कितना मिस कर रहे हैं घर में नहीं जा पाना? बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और वो जो समय था बिग बॉस ओटीटी का समय, वो भी एक अच्छे अनुभव के साथ मैं घर से बाहर निकली। बट हाँ, अगर मैं गेम बहुत अच्छे से सीख के जाती और अपने इमोशंस को बाहर छोड़ के जाती तो शायद और आगे बढ़ सकती थी। बट इस बार मैं गेम बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। अगर मुझे जाने का मौका मिलता है, देन आई वुड लव टू गो देयर अगेन। तो अगर आप इस बार घर में जाती हैं तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी लेकर जाएंगी? किस तरह से हमें अक्षरा सिंह का नया अवतार देखने को मिल सकता है? स्ट्रैटेजी एज इन कुछ प्लान करके नहीं जाऊंगी, बट हाँ गेम सीख कर जाऊंगी इस बार। तो शायद जो मैं थी उससे काफी कुछ बेहतर कर पाऊं इस बार अगर मुझे जी मौका मिलता है। जी सो कौन सी चीजें होंगी या कौन सी बातें होंगी जो आप नहीं करना चाहेंगी इस बार, रिपीट नहीं करना चाहेंगी इस बार घर पे? इमोशनल नहीं होना है। ये जो सेंटी होती हूँ मैं हर बार, ये नुकसानदायक है मेरे लिए। सो अपने इमोशंस को मैं बाहर छोड़कर जाना चाहूंगी। जी, अक्षरा, हम देख सकते हैं कि बिग बॉस 15 का आगाज बहुत जोरों शोरों से हो गया है। आप हमें बताइए, क्या आप फॉलो कर पा रही हैं? जी हाँ, मैं अक्सर जब भी मौका मिलता है मैं एपिसोड्स देख लेती हूँ। अगर मैं टीवी नहीं देख पा रही हूँ, फिर भी मैं फोन पर, जहां भी बाहर रहूं, घर से बाहर रहूं, कहीं भी रहूं, मेरी कोशिश ये रह रही है कि मैं देखूं शो। जी, सो ऐसे में कौन से वो सदस्य हैं जो आपको पूरी तरह एंटरटेन करने में सफल हो पा रहे हैं? एंटरटेन एज इन सभी बहुत अच्छे हैं, बट चूंकि निशान जी से बहुत लगाव है मुझे बिग बॉस ओटीटी से ही, तो इस वजह से वो अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही अफसाना खान, ये भी बहुत अच्छा कर रही हैं, लाइक वेरी एंटरटेनर, वेरी एंटरटेनिंग। एंड और उनके अलावा विशाल भी अच्छे हैं। सो यस, करण भी बहुत अच्छे हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि रोज हमें एक नया मोड देखने को मिल रहा है, लेकिन पुराने कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनके साथ आप रह चुकी हैं घर में, शमिता, प्रतीक और निशान, क्या कहना चाहेंगी? इनका गेम आपको कैसा लग रहा है? सभी अच्छे हैं, इस बारे में मैं क्या ही बोलूं। हाँ, गेम में कहीं कहीं डगमगा रहे हैं। जैसे निशान जी की बात करूं तो कहीं कहीं पे वो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हैं,
बट मे बी उनकी स्ट्रैटेजी हो ये, यू नेवर नो, मैं बाहर से जज क्या ही करूं. उसके अलावा शमिता जी एज यूजुअल यू नो अपना बॉस बन के खेल रही हैं जैसे वो बिग बॉस OTT में थी, यहाँ पर भी वैसे ही हैं. बट हाँ, ये तीनों जिस तरीके से बड़े घर में हैं, आपसी तालमेल कम है, लाइक एक दूसरे से बटे हुए दिख रहे हैं. प्रतीक का गेम आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि काफी फर्स में रहते हैं और अगर लास्ट वीकेंड के बाद की बात की जाए तो सलमान ने उन्हें काफी लताड़ा भी, क्या आपको लगता है कि इतना डिजर्व करते हैं वो? प्रतीक इंसान बुरे नहीं है, इंसान बहुत अच्छा है. मे बी यू नो घर के ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां अचानक से कुछ चीजें आपसे ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, यू नो जिसकी वजह से आप शिकार बन जाते हैं. तो मे बी कॉज ऑफ दैट. बट हाँ, अगर सलमान जी ने कहा है तो गलत के लिए ही कहा है. बट जितनी चीजें हो गई, पूरे घर वाले जैसे चढ़ रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो पेन मैं समझ सकती हूँ. जब पूरे घर वाले आपके खिलाफ हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है. अब शायद प्रतीक को ये समझ आ रहा हो, बिकॉज उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया है. जी, पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त प्रतीक का कर्मा वापस आ रहा है? यू नो कर्मा इज अ बिच, यस, हो सकता है. हो सकता है, लेकिन जितनी चीजें अभी फिलहाल हो रही हैं उतना वो डिजर्व नहीं करते हैं. यू नो, गलत के लिए एक बार टोक दिया गया, दैट्स एनफ. अब उस चीज को एग्जैजरेट करके ना ही प्रेजेंट किया जाए तो बेहतर है. बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय हुआ है बिग बॉस 15 को शुरू होकर, लेकिन एक लव स्टोरी की शुरुआत हम देख सकते हैं घर में. ईशान और मायशा के बीच जिस तरह से हम देख रहे हैं टीवी पर, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल. अगर इनकी केमिस्ट्री बहुत, आई मीन तीन चार दिनों से बहुत अच्छी नजर आ रही है, और आई होप कि ये केमिस्ट्री और आगे तक जाए और आगे बढ़े, यू नो सिर्फ यहाँ तक ही ना रहे, और खूबसूरती के साथ बढ़े तो ज्यादा बेहतर. हम देख सकते हैं घर में कि जंगलवासी वॉसेस जो आम सदस्य है उनके बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन तो है ही, क्या लगता है आपको कौन किस पे भारी पड़ता हुआ आपके हिसाब से लग रहा है आपको? फिलहाल तो जंगलवासी जी, क्योंकि उनमें एकता ज्यादा है, और बड़े घर में ये तीन जो हैं इनमें शायद थोड़ी सी यू नो समझदारी कम है, आपस में जलप नहीं कर पा रहे हैं या क्या मन में चल रहा है, आई डोंट नो. पर एंड ऑफ द डे गेम इंडिविजुअल है, तो यू नेवर नो कब क्या पलट जाए, क्या बदल जाए घर के अंदर. जी बिल्कुल. अक्षरा हम देख सकते हैं क्योंकि किसी भी गेम में शुरुआत में ही पता चल जाता है कि किसमें वो ऊर्जा है आगे जाने की, या फिर कौन है जो टॉप तक जा सकता है. अगर इस बारे सारे सदस्यों को देखा जाए तो क्या लगता है आपको कौन टॉप 5? वैसे तो ये ऊर्जा मुझमें भी नजर आती थी, तो मैं क्यों नहीं गई आगे. तो ये आप डिसाइड कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट. अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती या आप कुछ नहीं बता सकते. यू नो एक दो महीने बाद चीजें शायद और बदल जाएं, लोग बदल जाएं, मेंटालिटी बदल जाए, तो अभी क्या ही बोलूं मैं. बिल्कुल. अक्षरा, अगर आपको मौका मिलता है दोबारा से, अगर आपको बुलाया जाता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हम आपको देखते हैं, तो पहले सबसे सलमान से मिलकर आपके मुंह में घी शक्कर. हाँ, क्या सलमान सर से मिलकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुझे काम करना है आपके साथ. और मैं उनके लिए गाना गाना चाहूंगी जो मैंने सोच रखा है. कौन सा गाना? बनाऊंगी. अगर जाऊंगी तो बना के डेफिनेटली आपको सुनाऊंगी और उनको भी सुनाऊंगी. बिल्कुल,
मैं एक गाना उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ, और उनका सबसे फेवरेट गाना मेरा है, ओ ओ जाने जाना जी। सो अक्षरा, अगर आप घर में गई तो कौन से वो 3 सदस्य होंगे जिनके साथ आप अपनी दोस्ती बनाना चाहेंगी? ऑफ कोर्स 3 जो लोग ओटीटी में थे उनसे तो अगर वो बनाना चाहें तो शायद अच्छी बॉन्डिंग रहे, और किसी से रहे ना रहे, निशांत जी से तो फॉर श्योर रहने वाली है क्योंकि मेरा भाई है निशांत, और ये रिश्ता बिग बॉस ओटीटी में ही बन गया। और उसके अलावा राज एंड तेजस्वी जी, अलोंग विद दैट अफसाना जी ऑफ कोर्स, बिकॉज हम लोग यू नो सिंगर्स हैं और आई थिंक विशाल जी से भी जमने वाली है अगर जाती हूँ। जी, हम देख सकते हैं कि इस हफ्ते ईशान, अफसाना, विधि, अकाशा, डोनर और बार बार अक्षरा निकल रहा है आपके मुंह से जी, दैट मींस कुछ अच्छा होने वाला है। ईशान, अकाशा, विधि, डोनल, विशाल और अफसाना। आई थिंक डोनल। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मे भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जा रहे हैं जहां उनको यू नो एकदम से डाउन हो जा रही है वो, या अपनी गेम नहीं खेल पा रही है, जलप नहीं कर रही है लोगों से, बात यू नो अपनी बात नहीं रख पा रही है शायद। सो अक्षरा, अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस अगर बात की जाए, जैसे हमारी लास्टली भी बात हुई थी, आपने कहा था कि ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है हमें बताइए? अभी बहुत जल्द मेरा गाना आ रहा है दीपराज जी के साथ, और इट्स अमेजिंग सॉन्ग। अलोंग विद दैट मैं बस इसी हफ्ते जाने वाली हूँ गाबा से मुलाकात करने, तो बहुत जल्द उनके साथ भी गाना आएगा। As we all know, we are best friends now. So, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और आई होप लोगों को पसंद आएगा हमारा एक साथ आना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने फैंस के लिए, सारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फैंस के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अब तक मुझ पर जितना भी प्यार बनाए रखा है आप लोगों ने, हमेशा से आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें, और मैं और मेहनत करती रहूंगी और कोशिश करूंगी और आगे बढ़ती रहूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अक्षरा, थैंक यू वेरी मच रोशनी, थैंक यू, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।